माय चैनल और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और आज हम लोग इंदौर टू भोपाल ट्रैवल करने वाले हैं बाय रोड। इंदौर से भोपाल लगभग 200 किलोमीटर दूर है। बस के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्रेन के भी ऑप्शंस हैं, बट ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट का प्रोग्राम बना कि हम बाइक से जाना प्रेफर कर रहे हैं और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हमको सिर्फ एडवेंचर करना है और कुछ भी नहीं। सो सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पैकिंग थी, तो बहुत जल्दी जल्दी हमने पिट्टू बैग में सारे कपड़े जो भी हमें डेली नीड्स थी 2 दिन के लिए, सो वो मैंने ऑलरेडी पैक कर लिया है। बस अब मेरे हस्बैंड गए हैं बिकॉज बाइक वॉश होनी थी, बहुत टाइम से उसको यूज़ नहीं किया है उन्होंने, सो वो वॉश करके वापस आएंगे एंड देन वी स्टार्ट। निकलने का टाइम हो चुका है, हस्बैंड आ चुके हैं गाड़ी वॉश करवा के, अब हम निकलते हैं। एंड अभी जो टेम्परेचर है लगभग इंदौर में कितना हो रहा है, 38 डिग्री टेम्परेचर है। ये सोच के कि शायद शाम को हमको थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर मिलेगा कि हम निकलें और बाइक की जर्नी हमारी थोड़ी ढंग की रहे, बट लग नहीं रहा है ऐसा, बट लेट्स ट्राई। अब डिसाइड तो कर ही लिया है, तो चलते हैं, बाकी की जर्नी कंटिन्यू रखें। फाइनली हमने ब्रेक ले लिया है, हमने अपनी हाफ जर्नी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। सो अब हम यहाँ पे डोंडी में रुके हैं। डोंडी एक मिड ऑफ द प्लेस है भोपाल टू इंदौर के बीच में, जहाँ पे एक आपको स्नैक्स पोर्शंस मिल जाते हैं, आप थोड़ा सा फ्रेश हो सकते हैं, वॉशरूम फैसिलिटी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। राइट में अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में 3 शेड्स आपको दिख रहे होंगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, बट अभी कुछ कंस्ट्रक्शन है, सो एज सच कोई व्यू नहीं है आपको दिखाने के लिए, बट दिस इज़ अ गुड प्लेस जहाँ पे आप अच्छे स्नैक्स ले सकते हैं। हमने हाफ जर्नी कंप्लीट कर ली है एंड इट्स रियली हैक्टिक, और बिकॉज बाइक पे 1 स्पीड में कवर अप करना एज सून एज पॉसिबल, वो एक हमारा टारगेट था। सो हाफ कंप्लीट इन 1.5 अप्रॉक्सीमेटली। अब भोपाल पहुँचेंगे एंड भोपाल का आपको ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखाएंगे। आपको ये तो बताना भूल ही गई मैं कि मैं इंदौर टू भोपाल जा क्यों रही हूँ। सो एज वी ऑल नो, 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कि हमारा भोपाल होम टाउन है, सो हमारी फैमिली वहीं है, सो इसलिए हम जा रहे हैं जस्ट फॉर द चेंज। एंड सेकेंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी इस टाइम इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है वोटिंग। वोटिंग के लिए हम मेनली भोपाल जा रहे हैं, मेन मकसद हमारा वही था। संडे को वोटिंग है, यानी टुमारो, सो हम उसके लिए जा रहे हैं भोपाल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वोट ज़रूर करें आप, आपकी जिस जिन सिटीज़ में आप लोग हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके यहाँ जब वोटिंग पोल्स हैं प्लीज़ जाके वोट करिए, बिकॉज हिंदुस्तान चलाने का फैसला आफ्टर ऑल आप ही लोगों के हाथ में है कि आप किसको देना चाहते हैं। आप जिसको भी दें बहुत ट्रांसपेरेंसी रखें। आप ये नोटिस करें कि एग्जैक्टली क्या सही है और क्या गलत है। सो उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप वोट डालें, और वोट ज़रूर डालें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स द मेन रीज़न हम जिसके लिए भोपाल जा रहे हैं। और फिर भोपाल में भी थोड़ा बहुत घूमेंगे, देखते हैं क्या हम फ़न कर सकते हैं 2 दिन में भोपाल में। सो राइट नाउ अभी ब्रेक पे हम कुछ पी लें या कुछ खा लें तो वो बेटर होगा। और एक थोड़ा सा व्यू मैं देती हूँ आपको बैक कैमरा ऑन करके कि एग्जैक्टली ये दिखता कैसा। जैसा कि आप राइट नाउ देख सकते हैं, ये फ्रंट में जो लॉन दिख रहा है आपको, ये पूरा इस साइड भी ओपन था और इस साइड भी ओपन था, बट दोनों साइड अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और एक काफ़ी ह्यूज स्पेस है एक ब्रेक के लिए। और अभी तो इंटीरियर थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ख़राब हो चुका है, बट सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये आगे है हमारा अच्छा सा कुछ नाश्ता पानी टाइप का। हमारे स्नैक्स आ चुके हैं। इडली सांभर मुझे सबसे अच्छा सबसे लाइट लगता है जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो खाने के लिए। एंड ही इज़ ईटिंग पोहा। ठीक है, तो बहुत तेज़ भूख लगी है। व्यू तो आपने ले लिया है। अभी राइट नाउ कुछ खास नहीं है ऐसा कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे, बट यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं इट्स कम्प्लीटली हेल्दी, कम्प्लीटली गुड। आप खा सकते हैं ब्रेक में। और अभी हम खाते हैं बिकॉज अभी हमें हाफ जर्नी और कम्प्लीट करनी है और जल्द से जल्द भोपाल पहुँचना है। तो स्टे ट्यून विद मी। वेलकम टू भोपाल। और नज़ारा कुछ इस तरह है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं राजा भोज जी की मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। दिस इज़ द सिंबल कि हम भोपाल आ चुके हैं। और हमारी चेहरे की स्माइल भी आप देख के समझ सकते हैं कि हम भोपाल आके कितने खुश हैं। भोपाल सिटी ऑफ लेक्स आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, बाकी के शॉर्ट्स आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। सो वेलकम टू भोपाल। ये राजा भोज ब्रिज कहलाता है और ये हमारे पुराने भोपाल को नए भोपाल से जोड़ता है। सो उसकी ब्यूटी आप देख ही सकते हैं। ये मैंने काफ़ी दूर से शॉट लिया हुआ है, मैं पास जाके भी इसका व्यू दिखाऊंगी आपको। एंड सेकेंडली, आपको अगर नहीं पता है तो एक चीज़ और बता दूं कि ये जो भोपाल की जो लेक है ये एशिया लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, जिसका व्यू आप देख रहे हैं अभी राइट नाउ। और ये राजा भोज द्वारा ही बनाई गई ये लेक थी। उनके द्वारा, उनकी मदद से, उनकी ही नज़र में इसका निर्माण हुआ था। है VIP रोड इसको कहते हैं, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और वॉइस आपको काफ़ी आ ही रही होगी। यहाँ वो पूरा भोपाल रात को लेट नाइट तक इकट्ठा होता है और इस मौसम को, इस क्लाइमेट को एंजॉय करता है। बिकॉज अभी राइट नाउ फील ही नहीं हो सकता आपको कि इतनी दिन की गर्मी के बाद आप शाम को यहाँ जब खड़े होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख रहे होंगे क्राउड काफ़ी है। सो ये है हमारे भोपाल की खास बात।